من جزية اتحاد المسلمين فرش رزان الدين واسي من جزية اتحاد المسلمين لما يم لما يم لما يم لما يم यहाँ पे गंगा लाएंगे पेट्रोल तो रात अंदर है का बड़ा बहुत ज़्यादा की सामने आपका मन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में रैन बाज़ार चमन में गवर्नमेंट की तरफ से बस्ती दवाखाना की मंजूरी अमल में लाई थी। नखीब मिल्लत बरसर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये मंजूरी हुई और आज इसका इफ्तिताह हुआ। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया। हमारे मजलिस के तमाम याकूतपुरा असेंबली हल्के के कॉरपोरेटर्स बाजद अली खान साहब मुजफ्फर साहब सोहेल खादी साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब और हमारे नसीन सुल्ताना साहब डॉक्टर समीना बेगम साहब ये तमाम के अलावा मजलिस के सरगर्म इब्तदाई मजालिस के लोग इसमें शरीक रहे और इसका इफ्तिताह भी नखीब मिल्लत ने किया। दवाखाने का मुआयना भी किया, यहाँ के स्टाफ से डॉक्टर से मुशावरत की तो बताया कि 11-10 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग रहेंगी। अगर के ज़्यादा लोग तादाद में आने लगे तो टाइमिंग में इजाफा करके 4 बजे तक चलाएंगे। बहरहाल तमाम अद्वियात भी यहाँ पे फ्री दिए जाते हैं। इसके लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के अंदर बस्ती दवाखानों के क़याम की मंजूरी दी। आज याकूतपुरा असेंबली हल्के में रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में ये जो इफ्तिताह हुआ, अभी रैन बाज़ार डिवीज़न में एक और एक दवाखाना अनकरीब इफ्तिताह होगा। हर डिवीज़न में 2-2 बस्ती दवाखाने रहेंगे सलम इलाकों में, जहाँ से ज़्यादा कोशिश की जा रही है क्योंकि गरीबों की बस्ती सलम इलाके होते हैं और गरीबों को इलाज के लिए दवाओं के लिए उनको सहूलत पहुँचाना हुकूमत का और हमारा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह मजीद दवाखानों का इफ्तिताह भी अनकरीब होगा जिसका सदर मजलिस इफ्तिताह करेंगे अनकरीब। शुक्रिया। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश सुप्रीम फार्म लाइन, जहां सुकून और खुशियां बाहें फैलाए आपके मुंतजिर। नकद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।